हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अब्सेंट। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर देखने वाले हैं, कुबेरनेट्स। कुबेरनेट क्या करता है, उसका जो काम करने का तरीका जो है वो क्या कैसे करता है, और कुबेरनेट के मार्केट में बहुत कंप्यूटेटर है, उसका डॉकर स्वार्म भी है। और जब हम इस वीडियो में आप जो कुबेरनेट जब देख रहे हो, उससे पहले आपको एक डॉकर का नॉलेज होना ज़रूरी है। आपको जब डॉकर आएगा उसके बाद ही कुबेरनेट समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको एडवाइस देता हूँ, पहले डॉकर सीखो उसके बाद कुबेरनेट। ओके, तो चलिए, ये जो है कुबेरनेट का सिंबल है, इस सिंबल में सेवंथ जो ये है, ये सेवंथ दांडे है यहाँ। और आप थोड़ा सा जब उसके बारे में सोचते हो तो वो स्ट्रिंग जैसा आपको दिखता है। स्ट्रिंग जैसा क्यों दिखता है, एक आप सोचो को ये एक जहाज का स्ट्रिंग है, नहीं तो एक अपने एक ट्रैक्टर का स्ट्रिंग है, ऐसा सोचो। और उसका स्ट्रिंग्स का क्या है, मतलब क्या है कि वो मैनेज कर सकता है। हमारे जो ट्रॉली में हमारे ऐसा सोचो कि एक हमारे पास ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में ये जो स्ट्रिंग है उसको हम कुबेरनेट बोलेंगे, और जो हमारे जो पीछे जो ये हमारा जो ट्रॉली है उसमें बहुत सारे कंटेनर, उसका मतलब हम उसमें बहुत सारे माल, एक गोनी में माल भरते हैं, उसे आप कंटेनर समझो। ये समझने के बाद आप अभी देखो वो कंटेनर को मैनेजमेंट कर रहा है, वो ले रहा है, लेके जा रहा है, उसे वो स्ट्रिंग के सहाय ने कहाँ लेना है, उसे कहाँ रखना है, वो स्ट्रिंग के सहाय से हम कर सकते हैं। ऐसा ही अब कुबेरनेट के बारे में सोचो, उस सिंबल के बारे में सोचो, ऐसा ही काम करता है कुबेरनेट, कोई दूसरा काम नहीं, ऐसा ही काम करता है वो। उसे कंटेनर मैनेजमेंट टूल ही बोलते हैं और ऑर्केस्ट्रेशन टूल ही बोलते हैं। उसके बारे में सोचने के पहले हम कुबेरनेट मार्केट में आ जाया है, उससे पहले हम क्या यूज करते थे और उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे, मैं बताता हूँ आपको। उससे पहले हम मोनोलिथिकल आर्किटेक्चर यूज करते थे। एक ट्रेडिशनल तरीका था सॉफ्टवेयर डिजाइन करने का, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। उसमें हम जो सारा कोड है, फॉर एग्जांपल मैं लिंक्डइन का जब ये कर रहा हूँ, जब मैं लिंक्डइन का प्रोग्राम लिख रहा हूँ या सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा हूँ, तो लिंक्डइन में जो फील्ड है मेरे, न्यू फील्ड है, मैसेज है, और उनके जो बहुत सारे जो ये है, सॉरी, बहुत सारे जो लिंक्डइन के फीचर है, मैसेज है उनका, जो एक स्टडी का मुझे मीन्स उनका जो हम स्टडी वीडियो वगैरह जो रहते हैं, उनके कोर्सेस, उनका जो एक अलग है, वो सब हम एक जगह ही करके उन सबका एक डेटाबेस रहता था। पहले जब हम मोनोलिथिकल यूज करते थे हम, फॉर एग्जाम्पल आप समझो फेसबुक भी, हम फेसबुक का ऐप हम मोनोलिथिक में कर रहे थे, तो उसमें न्यू फील्ड रहती थी। ओके, न्यू फील्ड के बाद हमारा मैसेंजर, उसके बाद प्रोफाइल, उसके बाद क्या था, लिस्ट, फ्रेंड लिस्ट, ऐसा कुछ तो बोलो। ये सब हम एक जगह, और इन सब का एक ही डेटाबेस रहता था, कहाँ, जब हम मोनोलिथिक में करते थे। लेकिन आपका क्या है, कुबेरनेट आने के बाद हम माइक्रो सर्विसेस आ गए हैं, माइक्रो सर्विसेस। ओके, माइक्रो सर्विसेस में क्या है, हम छोटे छोटे सर्विसेज जो है, आई थिंक ये न्यू फील्ड है, उसके बाद प्रोफाइल, और ये मैसेंजर है मेरा, ये मैसेंजर है, ये जो आए हैं उनके बारे में हम, ये जब यहाँ हम एक न्यू फील्ड में कुछ चेंजेस करना है, तो हमें न्यू फील्ड में चेंजेस करने के बाद मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में हम जब ये जो ट्रेडिशनल मॉडल यूज करते थे, तब हम जब न्यू फील्ड में कुछ चेंजेस करना है हमें, तो जब न्यू फील्ड में चेंजेस होंगे तो मेरे मैसेज, प्रोफाइल और बाकी जो मेरे जो माइक्रो सर्विसेस हैं उनमें थोड़ा ये होता था, वो प्रॉपर नहीं चल रहे थे।
और उनका डिसएडवांटेजेस एक था कि वो डेटाबेस भी सभी के लिए एक था। जब माइक्रो सर्विसेस आ गए, कुबेरनेट ने माइक्रो सर्विसेस को लाया है, उसके बाद दुनिया बदल गई है। हम जब न्यू फील्ड में चेंजेस कर सकते हैं तो ऐसे न्यू चेंजेस करेंगे तो कुछ जो दूसरे जो मेरे सर्विसेस हैं उनको कुछ उनके ऊपर जो कुछ ये होता था नहीं होता है यहाँ। और दूसरा एक एडवांटेजेस क्या है, सेकंड एडवांटेजेस ये है कि न्यू फील्ड में सभी के लिए डेटाबेस, मेरी न्यू फील्ड है सॉरी माइक्रो सर्विसेज में हम सभी के लिए अलग-अलग डेटाबेस यूज करते थे, न्यू फील्ड के लिए अलग, प्रोफाइल के लिए अलग, मैसेंजर के लिए अलग, ये लिए ये बहुत बढ़िया सरा से हो गया है। और हम कुबेरनेट्स को दूसरे तरीके से, हम कुबेरनेट्स को ऐसे ही बोलते हैं K8S, उसका मतलब जब 1980 को अभी जो शॉर्ट फॉर्म आए, मैंने यहाँ मैसेज लिखा है लॉल, हम लॉल लिखते हैं ऐसे, जो अभी जो शॉर्टकट चल रहे हैं ऐसे, तो तब कुछ न्यूमार उसने एक शॉर्ट फॉर्म निकाले थे, ये कुबेरनेट का ऐसा है, हम कुबेर नेट्स ये ऐसा है। तो ये इसका नाम K8S क्यों क्यों पड़ा है, क्योंकि वहाँ जो शॉर्टकट यूज करते थे के बाद 8 अक्षर है उनके, 8 वर्ड है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके, उसके बाद ये हो गया K8S। वहाँ पर मेरा नाम गोविंद है, तो मुझे पहले ऐसे बुलाते थे 1980 को, कुछ दिमाग लगाया था कुछ लोगों ने और उनका मतलब ऐसे निकाला था, ये देखिए गोविंद का 1 2 3 4 ऐसे G4D ऐसे कुछ टेक्निक निकाली थी वो लोगों ने। तो चलिए हम अब कुबेरनेट के बारे में डिफाइन डाइव जाने लगेंगे और उसको कुबेरनेट के बारे में कुछ समझेंगे। ये कुबेरनेट और सिंबल के बारे में मैंने बता दिया है, उसके बाद इंट्रोडक्शन में कुबेरनेट इज एन ओपन सोर्स कंटेनर मैनेजमेंट टूल विच ऑटोमेट्स कंटेनर डिप्लॉयमेंट, कंटेनर स्केलिंग एंड लोड बैलेंसिंग, और ऑल्सो कॉल्ड ऑर्केस्ट्रेशन टूल। कुबेरनेट एक ओपन सोर्स कंटेनर मैनेजमेंट टूल है, वो कंटेनर को मैनेज करता है और विच ऑटोमेट वो ऑटोमेटिकली कंटेनर को डिप्लॉय करता है, कंटेनर को स्केलिंग एंड लोड बैलेंसिंग। और कंटेनर स्केलिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, अपग्रेड एन एग्जिस्टिंग होस्ट सर्वर विथ इंक्रीज सीपीयू मेमोरी डिस्क इनपुट आउटपुट एंड नेटवर्क इनपुट आउटपुट स्पीड, वो सभी जो सीपीयू की इंक्रीज कैपेसिटी बढ़ाता है, मेमोरी बढ़ाता है और डिस्क के जो साइज है, मेमोरी डिस्क के जो साइज है वो ही बढ़ाता है, इसे उसको हम स्केलिंग कहते हैं, ऑटो स्केलिंग कहते हैं। और लोड बैलेंसिंग, लोड बैलेंसिंग का मतलब क्या है कि सेंड कनेक्शन टू द फर्स्ट सर्वर इन द पूल अंटिल इट इज एट कैपेसिटी एंड देन सेंड टू द न्यू कनेक्शन टू द नेक्स्ट अवेलेबल सर्वर, ये बोल रहा है कि जो लोड बैलेंसिंग है उनका मतलब है सेंड कनेक्शन टू द फर्स्ट सर्वर, वो फर्स्ट सर्वर को कनेक्शन सेंड करता है, और अंटिल इट इज वो जब फुल हो जाएगा तो वो जो अगले बार आ जाएगा वो सर्वर बिजी रहेगा तो दूसरे सर्वर को भेज सकता है। चलिए उसके बाद हम देखेंगे इट्स शेड्यूल रन एंड मैनेज आइसोलेटेड कंटेनर विच आर रनिंग ऑन वर्चुअल फिजिकल एंड क्लाउड, ये जो ये है इट्स शेड्यूल रन एंड मैनेज आइसोलेटेड कंटेनर आर रनिंग इन, ये जो कंटेनर है ये जो कुबेरनेट है, कुबेरनेट एक पॉड चीज है, वो आप आगे चल के बताएगा, मैं बताऊंगा आपको, वो वर्चुअल फिजिकल और क्लाउड ये तीन ही पर ही सपोर्ट करता है।
ऑल टॉप क्लाउड प्रोवाइडर सपोर्ट कुबरनेट्स। ऑल टॉप क्लाउड प्रोवाइडर का मतलब ऐसा है, जो टॉप प्रोवाइडर है, हमारे थ्री अभी टॉप क्लाउड प्रोवाइडर है, उसमें अमेजॉन है, गूगल है एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑजूर, ये तीनों पर भी सपोर्ट है। दे सपोर्ट ऑल काइंड ऑफ कंटेनर एज लाइक डॉकर, कंटेनर डी एंड रॉकेट। जो कंटेनर क्रिएट करते हैं वो कंटेनर हम तीन तरीके से क्रिएट, डॉकर में डॉकर यूज करके भी हम क्रिएट कर सकते हैं। कंटेनर डी यही एक स्किल है, उसमें भी हम कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। एंड रॉकेट, कुबरनेट्स इज आल्सो नोन एज K8S। K8S कैसे बोलते हैं और ये क्यों बोला जाता है मैंने आपको बताया है। उसके बाद हिस्ट्री, कुबरनेट्स डेवलप इन 2014 बाय गूगल इन गो लैंग्वेज। कुबरनेट 2014 को डेवलप किया है और गूगल का प्रोडक्ट है, इसका मतलब बहुत अच्छे फीचर जो है उनके बहुत बढ़िया है। और गो लैंग्वेज, गो लैंग्वेज है वो भी गूगल ने ही डेवलप किया है, और उसके खुद के लैंग्वेज में वो कुबरनेट डेवलप किया है। इनिशियली कुबरनेट यूज बाय गूगल इन इंटरनल, आफ्टर दे डोनेट कुबरनेट्स टू द क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन। इनिशियली कुबरनेट जो बनाया है, गूगल ने जो प्रोडक्ट बनाया है कुबरनेट, वो इनिशियली वो उनके लिए यूज करते थे, खुद के लिए, और उनको लगा कि हम जब खुद के लिए रखेंगे तो वो मॉडिफाई नहीं हो जाएगा, इसलिए 2014 में वो पब्लिश कर दिए और लोगों को यूज करने के लिए दें। और एक क्या बोलते हैं उसको, एक ये है क्या, ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन, ये कुबरनेट के लिए जो उनका जो सर्टिफिकेट है बहुत अच्छा माना जाता है। और जॉब के लिए या फ्रेशर, आप ये करने के बाद, आप CNCF का सर्टिफिकेट करने के बाद आप कुबरनेट में एक्सपर्ट हो जाएंगे। और गूगल ने जो है उनको डोनेट किया है, और उसमें क्योंकि वो जब लोग यूज करेंगे तो उसमें जो डिसएडवांटेजेस है वो आपको मालूम हो जाएगा। तो चलिए फीचर ऑफ कुबरनेट देखेंगे। हेल्थ मॉनिटरिंग, सॉरी सेल्फ हेल्थ मॉनिटरिंग, ये जो फीचर है वो खुद का जो मॉनिटरिंग है उनका, नोड का, मास्टर का, वो खुद चेक करता है, मॉनिटरिंग करता है। स्केलिंग, स्केलिंग मैंने बताया है। कंटेनर बैलेंसिंग वही बताया। रोल बैक, रोल बैक का मतलब क्या है कि जब एक न्यू लेटेस्ट वर्जन आ गया है लेकिन आपको लगता है कि मुझे एक पीछे वाला जो वर्जन है वो मुझे यूज करना चाहिए क्योंकि मैं उससे ऊपर बहुत हैंड्स ऑन है, मुझे थोड़ा अलग लग रहा है, तो अब रोल बैक का मतलब कि हम पीछे वाला वर्जन भी यूज कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, उसका मतलब है कि हम सभी प्लेटफॉर्म पर यूज कर सकते हैं, वर्चुअल, फिजिकल एंड क्लाउड पर। ऑर्केस्ट्रेशन, ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब है कि ऑर्केस्ट्रेशन एक बहुत बढ़िया फीचर है उसका। ऑर्केस्ट्रेशन इज द ऑटोमेटेड कॉन्फिग्रेशन, कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट। वो ऑटोमेटिकली जो सब जो टास्क है वो ऑटोमेटिकली करता है। तो ये है मेरे कुबरनेट के फीचर। आगे जाएंगे हम अब देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कुबरनेट्स एंड डॉकर स्वॉर्म। कुबरनेट का जो कंप्यूटेटर मार्केट में है तो उसे हम डॉकर स्वॉर्म कहते हैं। डॉकर स्वॉर्म एक डॉकर का खुद का ये है, कंटेनर मैनेजमेंट टूल है। तो देखते हैं इस इन दोनों में क्या क्या डिफरेंट है और क्या नहीं है, कौन सा अच्छा है। तो चलिए फर्स्ट कुबरनेट। कुबरनेट में इंस्टॉलेशन एंड क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन इज कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग। कुबरनेट में इंस्टॉलेशन एंड क्लस्टर जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और ये जो करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन डॉकर सॉल्व में देखेंगे क्या है। अभी इंस्टॉलेशन एंड क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन इजी एंड फास्ट, सॉरी यहाँ फास्ट FAST SUE हो गया, चलो मैं चेंज करूँगा फिर। कुबरनेट सपोर्ट ऑल मोस्ट ऑल कंटेनर, जो कुबरनेट सपोर्ट ऑल कंटेनर, उसका मतलब डॉकर रॉकेट एंड कंटेनर डी, ये तीन ही कंटेनर को वो सपोर्ट करता है, लेकिन डॉकर स्वॉर्म ओनली डॉकर कंटेनर, जो डॉकर के कंटेनर है उनको ही सपोर्ट करता है। इन कुबरनेट्स GUI आर
GUI उनका मतलब है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, कुबरनेट्स में अवेलेबल है लेकिन डॉकर सॉर में GUI आर नॉट अवेलेबल। सपोर्ट स्केलिंग, कुबरनेट में स्केलिंग सपोर्ट है। टू टाइप के स्केलिंग होती है, हॉरिजेंटल वर्टिकल। वर्टिकल तो कोई करता है लेकिन हॉरिजेंटल का मतलब बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया फीचर है कुबरनेट का स्केलिंग का। डॉकर सॉर नॉट सपोर्ट स्केलिंग और कुबरनेट्स प्रेजेंट इनबिल्ट मॉनिटरिंग टूल, उनका खुद का एक मॉनिटरिंग टूल है, उनका इनबिल्ट है वो मॉनिटरिंग टूल। उस मॉनिटरिंग टूल में वो आपके नोड के मास्टर, खुद के मास्टर के और नोड के दोनों को भी मॉनिटरिंग, हेल्थ मॉनिटरिंग चेक करता है। और डॉकर सॉर्म यूज थर्ड पार्टी टूल्स, वो भी यूज करता है लेकिन थर्ड पार्टी करता है। तो मेरा जो कुबरनेट है इंट्रोडक्शन का पार्ट था, वो आपको कैसे लगा? और आपको कुछ कुबरनेट के बारे में और कुछ जानना है, मुझे थोड़ा इंस्पायरेशन करना है नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो मेरा ये वीडियो जरूर देखिएगा, कमेंट करिएगा, आपकी राय मुझे दे दो कि मुझे क्या और वीडियो में क्या एक्सप्लेन करना चाहिए था। और कमेंट करो और लाइक करो। ओके, थैंक यू, बाय।